वही सेवा हूँ जिससे मिलने के लिए तुम तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तजा तुम्हें मना करता था। जब मैंने तुम्हें सेवा से मिलने से, उसे बात करने से, उसका फोन तक रिसीव करने से मना किया था, फिर क्यों मिली तुम उससे? लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी, और आज वही इर्तजा मेरा। का सामना करने की हिम्मत? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं की? मैं आऊंगी साहिबा, जरूर आऊंगी। मोहिनी आपकी तरफ आई है? नहीं तो क्या हुआ, वो फिर चली गई? मुश्क, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो, वो तो बाहर जाने के बस इंतजार में रहती है। खुदा मुझे, मैं क्या करूं, यहाँ पे भी नहीं है, मेरे घर पे भी नहीं मिल रही। मेरे साथ आओ, चल के देख लेते हैं। हेलो हेलो जी, इस्माइल पता नहीं मोहिनी कहाँ चली गई है, ना यहाँ आलिया आपा की तरफ है, ना वहाँ घर पे मिल रही है। प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम परेशान हो तो हम देखते हैं, वहाँ मिल जाएगी। वफूर भाई, मोहिनी आई थी क्या? हाँ जी, वो आई थी, सामान लेके जो है ना चली गई। सामान लेके कहाँ गई? आलिया पा आपने उस कंपाउंडर का बताया था वो? हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसके घर चले, उसके घर चले, क्या पूछ, अभी चले उसके घर, वहाँ रहता है। चॉकलेट अच्छी है ना मोहन? हम्म, मैं तुम्हें और भी ला दूंगा, लेकिन तुम ना किसी को बताना मत कि तुम मेरे घर आई थी। थैंक्यू जी, ले लो। हाँ हाँ, सब ले लो। मेरे पास और भी है ना, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दूंगा, ठीक है? तुम तो अच्छी बच्ची हो ना। घर जाने? हाँ हाँ, चली जाना, मैंने कौन सा तुम्हें यहाँ दफनाना है। सवाल का जवाब दो, तुमने मुझसे शादी के लिए
आपने क्यों भरे? क्योंकि अपने आप से इंतकाम लेने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया मुझे। देखो सर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और झूठ बोल के किसी रिश्ते की आगाज नहीं करना चाहता, क्योंकि रिश्तों में झूठ और फरेब की मिलावट होती है। देखो अगले हफ्ते रिसेप्शन, फिर तुम दिल से हामी भरती हो तो ठीक है, हाँ कर, और अगर ना करोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। उस भेड़िए की भेंट चढ़ने से आपने बचा लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान मंद हूं, इस एहसान के तले में आपका मकरूज हूं। मैं तो खुद एक उतरा हुआ कर्ज हूं, मैं क्या किसी को मकरूज करूंगी? सेवा आई थी, वो आपकी दोस्त? दोस्त नहीं है वो, घटिया इंसान है, गिरी हुई, मुझे जलाने की आई थी, अपनी और इतिजा की शादी का इनविटेशन कार्ड देके गई है। ऐसा लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं उनकी शादी अटेंड करूं। अगर आप इर्तिजा के निकाह पर जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सहबा को अपने साथ बाहर ले जाने के बारे में क्या सोचा? बाबा फिलहाल मैं अकेला जाऊंगा और साहिबा से मैंने बात कर ली। क्या कह रहे हो बेटा? माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते हैं, उन पे शक नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखो बेटा, मैं तुमसे कह नहीं रही हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम साहिबा को अपने साथ ले जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसके साथ, इस तरह से तुम्हारी सोच पे जहन पे अच्छा असर पड़ेगा। तुम मुसलसल डिप्रेशन में हो, शायद इस बात का तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारे इतराफ में जितने लोग रहते हैं ना, उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है। हाँ, मुझे खुद भी अपनी फीलिंग्स का बहुत अच्छी तरह से पता है। इस पेनफुल फेज से गुजरने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मुश्क ने जो कुछ मेरे साथ किया गलत किया, लेकिन उसको भुलाने के लिए मुझे साहिबा की सहारे की जरूरत नहीं। एंड यू नो व्हाट, मैं किसी का सहारा लेना भी नहीं चाहती। जिंदगी आपको ऐसे सबक इसलिए नहीं सिखाती कि आप उनसे बाहर निकल चुके। मैं नहीं जा सकती, सहवा को बिल्कुल ठीक लगता है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतिजा को उसका होते हुए देखूं। कैसे जाऊंगी,
कहाँ से लाऊंगी इतना हौसला? हौसला इंसान में खुद ब खुद पैदा होने वाली चीज है। हौसला रंग में उतरने से पहले और रंग में उतरने के बाद की दो मुख्तलिफ कैफियात है। बस जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर इज्जा के अंदर इतना हौसला है कि सारी दुनिया के सामने साहबा को अपना सकता है, और अगर साहबा में इतना हौसला है कि आपके घर चलकर अपने निकाह का इन्विटेशन देने आई है, तो फिर आपने क्यों नहीं हौसला?